स्टैटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा ट्रिकी है और यही एग्जाम में ज्यादा आता है। काइनेटिक फ्रिक्शन में हमने देखा था दोनों बॉडी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन कर रही थी, और वहां पे आपको सिर्फ ये दिमाग लगाना था कि फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड म्यू इनटू एन होता है और डायरेक्शन डिपेंड करता है रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट, एज सिंपल एज दैट। हाँ, वो भी रिलेटिव वेलोसिटी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की, ए विद रिस्पेक्ट टू बी लेनी। अब स्टैटिक फ्रिक्शन पे आते हैं। देखो बेटा, आपको समझना, सपोज ये बॉडी बी है और ये बॉडी ए है, अगर मैं बॉडी बी को ऐसे एक्सेलरेट कराऊं और फिर भी बॉडी ए उसके साथ रहे, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स आएगा, दैट विल बी कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। अब सपोज मैं आपसे तो सिंपल सी एक बात पूछता हूँ, मैं इसको आगे फोर्स लगा रहा हूँ, तो जब मैं बॉडी बी पे फोर्स लगा रहा हूँ तो बॉडी ए को कौन आगे लेके जा रहा है, दैट इज लेटरल फोर्स कॉल्ड फ्रिक्शन अलोंग द टेंजेंट, और लेटरली एक फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन ऑन दिस बॉडी। अब देखो, अगर मैं तुमको एक सिंपल सी बात बोलूं कि मुझे उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जानना है, तो चलो मैं इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, इसका मैग्नीट्यूड आगे की तरफ लगा फ्रिक्शन, बट ये कितना लगेगा। अब ये फ्रिक्शन जो बॉडी ए पे लग रहा है बेटा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, दैट इज द क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये ट्रिक इसलिए है क्योंकि ये फोर्स डिपेंड करता है कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना हो रहा है। पर्पस फ्रिक्शन का हमेशा इतना रहता है कि दोनों बॉडीज का कॉन्टेक्ट ना छूटे। अगर आप फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट समझना चाहो तो ये दोनों अपना कॉन्टेक्ट नहीं छोड़ना चाहते, तो जब ये बॉडी एक्सेलरेट करती है, दैट लोअर बॉडी वॉन्ट्स कि वो ऊपर वाली बॉडी पे इतना फोर्स लगाए फ्रिक्शन का कि ये साथ चले। सपोज मान लो इसका एक्सेलरेशन 1 है, तो वो इसके लिए भी चाहेगी एक्सेलरेशन 1 हो जाए। सपोज इसका एक्सेलरेशन 2 है, वो इसके लिए भी चाहेगी इसका एक्सेलरेशन 2 हो जाए। पर बेटा, यू नो दैट कि एक्सेलरेशन के लिए एक फोर्स चाहिए। अगर एक्सेलरेशन ए है तो फोर्स एम ए चाहिए टोटल मिला के। अब देखो बेटा, मान लो इसका एक्सेलरेशन ए हो रहा है, तब इस बॉडी पे भी फ्रिक्शन फोर्स एम ए लगेगा, वेयर एम मास इसका लेना और ए इसका लेना। बट बेटा, ऐसे तो क्या मान लो नीचे वाली बॉडी 500 एक्सेलरेशन पहुंच गई, तो क्या ये भी 500 एक्सेलरेशन तक जाएगी साथ पे रहने के लिए? बेटा आंसर ना होता है, एक लिमिट होती है। मतलब तुम अपना एक्सेलरेशन करते रहो, ये भी तुम्हारे साथ चलता रहेगा, लेकिन एक पॉइंट पे ये बोलेगा भाई मेरी मैक्सिमम लिमिट है फोर्स देने की, ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम अमाउंट है म्यू इनटू एन। बेटा बात सुनना, हम बोल तो रहे हैं कि इसका एक्सेलरेशन लो, इसका एक्सेलरेशन उतना ही करो, इस एक्सेलरेशन इनटू मास करके फ्रिक्शन निकाल लो, लेकिन ये फ्रिक्शन बेटा जो आप एम इनटू ए निकाल रहे हो, वो हमेशा नहीं रहेगा। वो कब तक रहेगा? जब तक वो एम ए म्यू इनटू एन से छोटा है। इसकी फ्रिक्शन की वैल्यू एम इनटू ए आएगी। सपोज नीचे वाली बॉडी का एक्सेलरेशन ए है, इसका भी जो फ्रिक्शन होगा वो एम ए आएगा, बट दैट एम ए नीड टू बी स्मॉलर देन म्यू इनटू एन। एंड देन, और सोचो एक कंडीशन आई कि जब ये जस्ट साथ छोड़ने वाला हो, ये आगे स्लिप करे और ये इसका साथ छोड़ने वाला हो, उस कंडीशन को जस्ट जब छोड़ने वाला हो, जस्ट ये मतलब लिमिटिंग हो केस, तब उस समय हम बहुत सिंपली बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इनटू एन लग रही है। लेकिन उससे पहले हमेशा कैसे निकालना है, एम ए इक्वल टू एफ। बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन में मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूंगा, कभी भी आप उसको वेरिएबल मान के सॉल्व करने की स्टार्टिंग करो। ऑलवेज यूज स्टैटिक फ्रिक्शन में फ्रिक्शन को आप वेरिएबल एफ मान के रखो, उसको स्टार्टिंग में म्यू इनटू एन मत लिख दो। एफवीडी भी बनाओ तो फ्रिक्शन का एफवीडी बनाते वक्त उसको लास्ट पे बनाओ। और फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, पहले सारे फोर्सेस लगा लो इस बॉडी पे, सारे फोर्सेस लगा लो, लगा लिए, उसके बाद फ्रिक्शन को उस डायरेक्शन में लो जो रिजल्टेंट फोर्स के अपोजिट हो, इस बॉडी पे लगने वाले सारे रिजल्टेंट फोर्स का अपोजिट। अगर आप मेरी बात समझ पाए बेटा, देखो एक सिंपल सी बात सोचो, अगर आपको कोई कंफ्यूजिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम दिया हुआ है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ लगेगा। सपोज एक बॉडी है, मैंने इधर 10 न्यूटन फोर्स लगाया, इधर 20 लगाया, इसका रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ आया, तब आपको स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ ऐसे लगेगा। बेटा होते थे मूव नहीं कर रही है, मेरी बात सुनना। सपोज ये बहुत भारी है, अभी आपको हल्की दिख रही है, सपोज ये काफी, ये इट्स अ काइंड ऑफ एलिफेंट, जस्ट थिंक इट्स अ एलिफेंट, मैं इधर पुश कर रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ, कोई इधर पुल कर रहा है, इन दैट केस फ्रिक्शन अपने आप इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट के अपोजिट लग जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन जो इस बॉडी का रिलेटिव मोशन रोकना चाहे, ये दोनों फोर्सेस चाहते थे मूव करना, फ्रिक्शन ने आके रोक लिया, बट इस फ्रिक्शन की एक लिमिट है, इस फ्रिक्शन की लिमिट है म्यू इनटू जीरो से म्यू इनटू
एन के बीच में, म्यू एन कब जब ये बॉडी मोशन करने वाली हो और बाकी समय रिजल्टेंट फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड भी बराबर। सपोज 10, 20 और ये बॉडी रेस्ट में 10, 20 तो इधर रिजल्टेंट निकाल लो √10² + 20² फ्रिक्शन को एग्जैक्टली उसके बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में ले लो। यानी आप मैग्नीट्यूड को म्यू इंटू एन और जीरो के बीच में कुछ भी ले सकते हो, डिपेंड करेगा अगर बॉडी जस्ट चलने वाली है तो म्यू एन लोगे और जीरो से म्यू एन के बीच में कौन सी वैल्यू लोगे, उतनी वैल्यू लोगे जिससे बॉडी रेस्ट पे रहे, यानी रिजल्टेंट फोर्स का उल्टा। एंड बेटा देखो वो एडजस्ट करेगा। आप सपोज कि किसी बच्चे ने आके बोला कि सर मैं यहाँ से पीछे से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, एक 10 लग रहा था, एक 20 लग रहा था और एक बच्चा यहाँ से कोशिश कर रहा है 6 न्यूटन देने की, तो फ्रिक्शन एडजस्ट करेगा 10 और 20 का जो रिजल्टेंट बना था ना बेटा, ऐसे करके इस तरफ 6 वाला उसको सब्ट्रैक्ट करो, फिर जो ये रिजल्टेंट यहाँ पे आप देखो इसका और फोर्स छोटा हो गया, 10 20 का रिजल्टेंट एक इतना सा आया, 6 न्यूटन इधर आया, अब उसको दोनों को सेपरेट कराओ यानी बाकी सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लो, तब फ्रिक्शन को उसके अपोजिट लगाओ। बेटा देखो और फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड हमेशा ऐसा रहेगा कि रिजल्टेंट फोर्स को वो कैंसिल करके बॉडी को रेस्ट में रखना चाहे, बट उसकी एक लिमिट है, दैट इज म्यू इंटू एन, उससे ज्यादा नहीं। हर एक केस में आपको यही करना है कि आपको ये सोचना है कि इस बॉडी को रेस्ट पे रखने के लिए कहां पे फोर्स लगाऊं मैं, दैट विल गिव यू योर आंसर। और जस्ट एक क्रॉस चेक कर लेना कि वो फोर्स जो फ्रिक्शन ले रहे हो आप वो म्यू इंटू एन से छोटा होना चाहिए। बेटा दैट इज हाउ वी विल डू विद स्टैटिक फ्रिक्शन।